नमस्कार, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा और जल्दी बनने वाला क्रोशिए का एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैंने स्लिप नॉट लगा ली, यानी कि एक चेन पहले बना ली। उसके बाद हमने फाउंडेशन चेन तैयार करनी है। इसके लिए मैंने 25 बार चेन बना ली है। ये देखिए, ऐसे चेन में से हुक डाल के धागे को खींच के हमने चेन बना लेनी होती है। ये मैंने 25 चेन बनानी है। अब पहली एक चेन को हम छोड़ देते हैं और दूसरी चेन में डबल क्रोशिया हमने बुनना है। इस तरह से चेन में से हुक को निकाला, धागे को खींचा, फिर पहले दो फंदे बुने, फिर दो फंदे अगले बुन लिए। इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बन गया। इस तरह से हमने ये पूरी चेन जो है फाउंडेशन चेन, इसके सारे ही चेन हमने डबल क्रोशिए से बना लेने हैं। मैं भी आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे मैंने डबल क्रोशिए से फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया। अब इसे टर्न किया और एक चेन बना ली। अब पहली चेन में से डबल क्रोशिया बनाया, मैंने दो डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये तीसरा डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद एक चेन बनाई और अगली एक चेन छोड़ के अगली चेन में हमने फिर से डबल क्रोशिया बुन लिया। ये देखिए, एक चेन बना के हमने एक चेन स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है, और दो डबल क्रोशिया आगे बुन लिए मैंने। इस तरह से फिर एक चेन बनाई, एक चेन को छोड़ के अगली चेन में फिर से मैंने डबल क्रोशिया बुन लिया और उसके आगे वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बुन लिया। इस तरह से दो डबल क्रोशिया बुनने हैं, एक चेन बना के एक चेन छोड़ के अगले वाले में हमने फिर से दो डबल क्रोशिया बुन लेने हैं। इसी तरह से इस पैटर्न को रिपीट करना है इस रो में। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा बनता है और बहुत ही आसान है। क्रोशिए का डिज़ाइन तो वैसे भी बहुत ही प्यारे बनते हैं। इसके आप जैकेट बनाइए, कार्डिगन बनाइए, स्वेटर बनाइए, बहुत ही प्यारे बनते हैं। ये देखिए, जो हमने एक चेन स्किप की होती है उसके ऊपर जो हम बना रहे होते हैं रो, उसमें एक चेन बना लेनी होती है। इस तरह से इसको बनाते हैं, नहीं तो हमारे फंदे कम हो जाते हैं, हमारी चेन कम हो जाती हैं अगली रो में, अगर हम ऐसा ना करें तो। और लास्ट में फिर से हमने वैसे ही जैसे स्टार्टिंग में तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, वैसे ही हमने लास्ट में भी तीन डबल क्रोशिया बुन लेने हैं। ये देखिए, तीन डबल क्रोशिया बन गए। एक चेन बना के मैंने इसको टर्न कर लिया। ये इस तरह से अब दिख रहा है। अब आ गई थर्ड रो। अब हमने तीन डबल क्रोशिया को छोड़ दिया और उसके आगे जो जाली बनी थी उसमें हमने डबल क्रोशिए एक ही जगह से बनाते जाना है। ये तीन बना गए, ये चार बन गए। ये देखें, चार डबल क्रोशिया एक ही जगह से बनाए हमने। उसके बाद
उसके बाद जो अगला होल था उसमें सिंगल क्रोशिए से इसको अटैच कर दिया। फिर हमने अगले होल में फिर से चार डबल क्रोशिया बुनने हैं। इस तरह से चार बार एक ही होल से हमने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अगली जो जाली थी या होल था उसमें हमने सिंगल क्रोशिया से उसको अटैच कर दिया। अब इसमें हम एक भी चेन नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने एक ही जगह से चार चार फंदे बना लिए हुए हैं। चार बार हमने डबल क्रोशिया बुन लिया तो चार चेन एक ही जगह से बन रही है, तो हमारे फंदे फिर भी पूरे हो जाएंगे, हमारी चेन फिर भी पूरी हो रही है। अगले होल से इसको फिर अटैच कर दिया सिंगल क्रोशिया से, और अगले होल में फिर से हमने वैसे ही चार बार बना लिया। ये देखिए अब ये रो कंप्लीट हो गई है, अब इस तरह से दिखना शुरू हो गया। ये फोर्थ रो आ गई, इसमें मैंने एक क्रोशिया बना लिया डबल क्रोशिया। अब दो चैन बना ली मैंने, अब दो डबल क्रोशिया एक तरफ करके, दो एक तरफ करके उनके सेंटर से बीच से हमने डबल क्रोशिया बुनना है। और दो चेन बना के इन दोनों के बीच हमने जॉइंट कर देना है इसको सिंगल क्रोशिया से, डबल क्रोशिया बुन के। जॉइंट नहीं करना है हमने, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमने चेन बना लेनी है, दो चेन बना के हमने फिर से दो फंदे जो हैं डबल क्रोशिया के उनको छोड़ के फिर डबल क्रोशिया बुन लेना है। मतलब जो चार बार हमने एक ही होल से बनाए थे उनको दो एक तरफ करके, दो एक तरफ करके उनके बीच से हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर उसके आगे हमने सिंगल क्रोशिया बुना। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करके बनाना है। यहाँ पे हमने फिर से डबल क्रोशिया बुना, और जो आगे वाला फूल बन रहा है उसमें भी हमने वैसे ही करना है, दो चेन बुन के चारों में से दो के बीच से हमने निकाल लेना है इस तरह से। फिर दो चेन बनाई और लास्ट में हमने फिर से डबल क्रोशिया बुन लिया। ये देखिए अब इस तरह से दिखना शुरू हो गया ये पैटर्न। ये देखें, और क्रोशिए के तो कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ से एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे ये डिज़ाइन है तो ये रॉन्ग साइड से भी वैसे ही दिख रहा है जैसे राइट साइड से है, दोनों तरफ से एक जैसा ही दिख रहा है। चलें अगली रो आ गई। अगली रो में हमने वैसे ही फिर जैसे एक लूप के अंदर से हमने चार बार हमने डबल क्रोशिया बुना था वैसे ही बनाते हुए इसको रो को कंप्लीट करना है। ये रिपीट आ गया पैटर्न हमारा। इस तरह से जैसे हमने थर्ड रो में किया था वैसे ही फिफ्थ रो में हमने करना है इस पैटर्न को रिपीट। मैं भी आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। इसी तरह से पैटर्न को कंप्लीट करते हुए मैंने फिफ्थ रो को भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए
फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हमने पैटर्न को रिपीट करते जाना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।